जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन 26 हम कर रहे थे, पेज 275 पे निकाले। ब्लू कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट फॉर इट्स फैक्ट्री। कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटीरियल लेबर एंड ओवरहेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 200 मिलियन। तो 200 मिलियन की एंट्री पाएंगे सी डब्ल्यू आई पी डेबिट। प्लांट अभी बना रहे हैं ना। कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटीरियल लेबर ओवरहेड बाय 200 मिलियन। जनरल एंट्रीज ऐसे साथ साथ लिखते रहें। सी डब्ल्यू आई पी डेबिट कैश क्रेडिट फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए एंटिटी हैज स्पेसिफिकली एक्वायर्ड अ बैंक लोन। IS 23 स्टैंडर्ड क्या कहता था कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, यानी कोई प्लांट बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, और उसके बनाने में अच्छा खासा अरसा लगेगा, और आपने उसको बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, उस इंटरेस्ट को आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। क्लियर? फॉर दिस प्रोजेक्ट एंटिटी हैज स्पेसिफिकली एक्वायर्ड अ बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच इट पेड इंटरेस्ट एंड लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 12 मिलियन। मोहतरमा, 12 मिलियन की ये एंट्री नहीं होगी? बल्कि क्या एंट्री होगी बोले? CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। फर्दर 5 मिलियन वॉज अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बैंक लोन। बैंक लोन से जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे वो हमने, यानी बैंक लोन जो आया था उसमें जो पैसे पड़े हुए थे उनको हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे हमें इंटरेस्ट कमाया या दिया? कमाया। टाइम पे आया करो भाई। तो अब 5 मिलियन की क्या एंट्री होगी? 5 मिलियन की एंट्री इंटरेस्ट कमाने की एंट्री। ये एंट्री नहीं होगी बल्कि एंट्री होगी कैश डेबिट और CWIP क्रेडिट। कितने से? 5 से। क्लियर? ये 3 एंट्रीज लिख ली। चलें जी, मटेरियल लेबर ओवरहेड की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट पे करने की वैसे क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी बजाय क्या होगी? CWIP डेबिट कैश। इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? भाई आप दोनों साइड पे जाओ, आप दोनों लास्ट से। इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इसकी बजाय क्या होगी? कैश डेबिट CWIP क्रेडिट। अच्छा जी, अब मोहतरम ये सारी एंट्रीज कर लेने के बाद मुझे अब आप बताएं बैलेंस शीट में हमारा CWIP कितने पे नजर आएगा। तो वो मैंने कल आपसे बात की थी कि मटेरियल लेबर कितने की पड़ी? 200 की। इंटरेस्ट गया कितना? 12। कमाया कितना? 5। तो बता दें नेट इंटरेस्ट कितना पे किया? वैसे मुझे बता दें इंटरेस्ट पेड कितने? 12। लेकिन इंटरेस्ट पेड नेट कितने, यानी गया भी आया भी, कितना? 7। तो अब बता दें जी अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 207। लेकिन टैक्स वाले 7 रुपए की टॉपिंग को क्या मानेंगे इंटरेस्ट? नहीं, टैक्स वाले इसको इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे, इसलिए टैक्स वाले इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करने देंगे। टैक्स वाले इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करने देंगे। फर्स्ट रो में आ जाए। ओके, तो टैक्स वालों की नजर में बताएं जी हम कितना कैपिटलाइज करेंगे? 207 या खाली 200? खाली 200। तो अकाउंटिंग वाले क्या इस टॉपिंग को एसेट की कॉस्ट में डालेंगे? क्या टैक्स वाले इस टॉपिंग को एसेट की कॉस्ट में डालेंगे? टैक्स वाले इसको एसेट की कॉस्ट में नहीं डालेंगे। अच्छा, ये तो वर्किंग हो गई करंट टैक्स की, सॉरी डेफर्ड टैक्स की।
अब आप बताएं टैक्स वालों की क्या राय है इस बारे में। एज पर टैक्स लॉज बोरिंग कॉस्ट आर अलाउड व्हेन इनकर्ड। टैक्स वाले कहते हैं बोरिंग कॉस्ट को अलाउ करो जब इनकर हो। ओके अलाउ क्या करो, यानी अलाउ क्या करो, अलाउ एज एक्सपेंस, लेकिन अलाउड एज एक्सपेंस। टैक्स वाले चाहेंगे इसको खर्चे में डाल दो जब इन करो। बता दें जी प्रॉफिट कितना है सवाल में, 330। अब इसके अंदर मुझे बताएं 7 रुपए को क्या करना है, ऐड करना है, लेस करना है। अच्छा चलें एक बात बताएं कि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, भाई कल से ना ये वाली लाइन छोड़ दिया करो, ठीक है कल से। अच्छा जी मुझे बता दें अकाउंटिंग वालों ने इस 7 रुपए को एक्सपेंसेस में डाला है या इस 7 रुपए को एसेट की कॉस्ट में डाला है। एसेट की कॉस्ट में डाला है। अकाउंट एक ही दफा बना दो जगह। चलिए हो जाए आप लोग भी सामान इधर करवा दें जरा, ये टाइम पे आया करो, ये FR2 को इजी ना ले आप लोग, रात टाइम पे पहुंच जाया करें। अब बना दे फर्स्ट रो में जगह, कल से वो मैंने उधर कह दिया है, अभी बना दे। आ जाए फर्स्ट रो में आ जाए। अच्छा चले आप बता दिया करें, क्लासी से शुरू कर लिया करें, अजीब लोग हैं वैसे। अच्छा चले 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 बात 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 सुने पहले, जो रात लेट आए हैं माशाल्लाह, आप भी इतनी दूर से पढ़ने आए हैं और लेट आते हैं, जरा गौर से मेरी बात का जवाब देने। अकाउंटिंग वालों ने इस 7 रुपए को एसेट की कॉस्ट में डाला है या एक्सपेंस में डाला है? जब इस 7 रुपए को एसेट की कॉस्ट में डाला है तो क्या अकाउंटिंग वालों ने इसको P&L में खर्चे के तौर पे माइनस किया है या एसेट की कॉस्ट बढ़ा दी है? तो जब अकाउंटिंग वालों ने एसेट की कॉस्ट बढ़ा दी है तो टैक्स वाले क्या कहेंगे? टैक्स वाले कहेंगे मोहतरम आपको ये खर्चे में डालना चाहिए था, आपको ये किस में डालना चाहिए था, खर्चे में डालना चाहिए था, क्योंकि इंटरेस्ट आम हालात में खर्चा होता है या कैपिटलाइज होता है, खर्चा होता है। तो टैक्स वाले ये कहेंगे कि इंटरेस्ट को डालो खर्चे में। आप प्रॉफिट तक पहुंचते हुए हम अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट, आपको पता है कैसे निकलता है, सेल माइनस एडमिन सेलिंग माइनस फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में डालते हैं इंटरेस्ट। क्या सेल से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए हमने फाइनेंस कॉस्ट माइनस की है या नहीं की है? हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में नहीं डाला। टैक्स वाले कहेंगे, टैक्स वाले कहेंगे खर्चे में डाल दो। अब बता दें ऐड करना है लेस करना है? लेस करना है। और दूसरा एक और तरीका आपके समझने के लिए बता दूं, इंटरेस्ट आपने लेस करना है, दूसरा एक और तरीका आपके समझने के लिए बता दूं, ऐसे ही अकाउंटिंग वालों ने 7 रुपए को किसमें डाला हुआ है, एसेट में, तो इस 7 रुपए को उठा के एसेट की बजाय खर्चों में डाल दें। इस 7 को यहां से उठाएं, हिम्मत हिम्मत करें, उठाएं उठाएं, जो 2-3 बंदे आए जल्दी आए, इस 7 रुपए को उठाएं, उठा के किसमें डाल दें, खर्चे में डाल दें। ये अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अकाउंटिंग वाले 7 रुपए को कहां पड़ा रहने देंगे, एसेट में, और टैक्स वाले 7 रुपए को कहां डाल देंगे, खर्चे में डालने की इजाजत देंगे। क्लियर? ये कौन सा सवाल है? ये देख लें जी, 200 रुपए की एंट्री CWIP डेबिट और 12 रुपए की एंट्री CWIP डेबिट और 5 रुपए की एंट्री कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट या कैश डेबिट CWIP क्रेडिट। अच्छा ये करंट डेफर टैक्स छोड़ें जरा, इसको भी मैंने नहीं करना। अच्छा जी प्रॉफिट कितना था इस साल का,
क्या अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाला या वो कैपिटलाइज कर बैठे? टैक्स वाले क्या कहेंगे, खर्चे में डालो, तो क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे। और डेफर टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट क्या आएगी, 207, लेकिन टैक्स बेस 200, तो हमारे और टैक्स वालों में कितना डिफरेंस, 7 का डिफरेंस आएगा। आगे छोड़ें डिस्कशन वगैरह, आगे छोड़ें, क्लियर? दिस इज ऑल क्लियर। अब एक दो मिनट लगा के जरा एंट्रीज मुझे रिवाइज करवा दें। पहले आप अपनी अकाउंटिंग रिवाइज करें, जो इंट्रो पढ़ी हुई है या FR1 में जो चीजें पढ़ी हुई हैं। जी भाई, हम एक प्लांट बना रहे हैं, लेट आने वाले, इधर देखें, 200 रुपए का प्लांट है, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। फॉर दिस प्रोजेक्ट हमने लोन लिया, लोन के ऊपर हमने क्या पे किया, इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की जगह अकाउंटिंग वाले कहते हैं इसको फाइनेंस कॉस्ट में माइनस ना करो, बल्कि इनको कहां डालो, एसेट के कॉस्ट में। इसलिए P&L में नहीं गया, CWIP में डेबिट हो गया, अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट में नहीं जाने दिया। और हमने बाकी पैसे इन्वेस्ट किए कहीं पे, जो लोन में से बचे हुए थे उनसे हमें इंटरेस्ट आया, तो इसको इंटरेस्ट इनकम में नहीं डालना, इसकी जगह CWIP में काम कर देना। आप बता दें 200 का एसेट खरीदा, 12 - 5 7 रुपए का इंटरेस्ट बना, इस 7 रुपए के इंटरेस्ट को हम कहां डाल दें, वर्किंग करके एसेट की कॉस्ट में डाल दें। एसेट कितने का बना, 207 का, लेकिन टैक्स वाले क्या कहेंगे, 7 रुपए को इधर की बजाय किधर डाल दो, खर्चों में डाल दो। क्लियर? क्या 5 की जो इंटरेस्ट इनकम है, हाँ हाँ, वो 5, ये 7 के अंदर दोनों चीजें पड़ी हुई है ना, 12 का खर्चा भी पड़ा हुआ है, 5 की नेट करके मुझे बताएं ओवरऑल हमारा खर्चा कितना है, 7 का, हाँ 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 हाँ, वो हो गया ना। इस 7 में क्या क्या पड़ा है, अभी 7 को देखें, दो दफा भी देखा जा सकता था, वो भाई ने जरा चीज कंफ्यूजिंग कर दी है, वो जरा ज्यादा मुश्किल हो जानी है। वो फिर कैसे करते हैं, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेस करते 12 से, और टैक्स वाले कहते हैं इंटरेस्ट इनकम को एड करो 5 से, तो इन चक्रों में तो हम पड़े ही नहीं, हमने इसकी बजाय कह दिया कि 7 रुपए को खर्चे में डाल दो, तो हम हमेशा क्या नेट कर लिया करेंगे, इंटरेस्ट इनकम को और इंटरेस्ट एक्सपेंस को। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था, 12, इंटरेस्ट इनकम कितनी थी, 5, तो नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस 7 से ही खेलें, 7 को ये लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे और 7 को ये लोग खर्चे के तौर पर माइनस करने देंगे। चलें जी, करंट टैक्स की वर्किंग और डेफर टैक्स की वर्किंग पूरी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ें परे, आज का सवाल शुरू करते हैं। पेज 740, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा लिख लें उधर सवाल के साथ, IS 23 वाले इंटरेस्ट को करंट टैक्स में लेस किया करने, IS 23 वाले इंटरेस्ट को करंट टैक्स में भी लेस किया था ना, ये दिखाया अभी आपको, IS 23 वाले इंटरेस्ट एक्सपेंस को करंट टैक्स की वर्किंग में लेस किया करना है, IS 23 वाले इंटरेस्ट एक्सपेंस को करंट टैक्स की वर्किंग में लेस किया करना है। देख लिया, चलें क्वेश्चन 8, ट्राइंगल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं ये। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, और 2 साल गुजर चुके हैं इनकॉर्पोरेट हुए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जी 125 मिलियन, पहला सफा छोड़ के जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 125 मिलियन,
अच्छे जी तरह आए आप। ऑन 1 जनवरी 2018 हमारे साल के लास्ट दिन नहीं, ऑन 1 जनवरी 2018 हमारे साल के पहले दिन। अकाउंटिंग WDB ऑफ ओन्ड एसेट। ओन्ड एसेट क्या मतलब, IFRS 16 या IS 16 वाले? IS 16 वाले, लीज वाले नहीं, ओन्ड एसेट। अकाउंटिंग WDB ऑफ ओन्ड एसेट एक्सीडिंग द टैक्स WDB बाय 50। तो ओपनिंग अकाउंटिंग WDB इज ग्रेटर देन टैक्स बेस बाय 50 मिलियन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक अकाउंट। टैक्स रूल्स के मुताबिक अकाउंट। जल्दी लाओ इधर। और 1 जनवरी 2018 अकाउंटिंग WDV एक्सीड द टैक्स WDV बाय 50। अकाउंटिंग WDV अभी आप लोगों ने आप नोट नहीं करना, 2-3 मिनट कोई वजह है। अकाउंटिंग WDV एक्सीड द बाय अकाउंटिंग WDV एक्सीड द बाय 50। किसी हद तक ये बात एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल। अकाउंटिंग WDV अभी नोट नहीं करना किस वजह से, अकाउंटिंग WDV एक्सीड द टैक्स WDV बाय 50। यही हो सकता है ना, और क्या हो सकती है वजह, और तो कोई वजह नहीं। तो 1 जनवरी 2018 अभी नोट नहीं करना। ओके आगे चलें, अभी नोट नहीं करना। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग, हर जगह घुमा घुमा के मार रहा है। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 15। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 15। तो क्या ज्यादा लग रही है अब आपको, टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 15। क्लियर? अब जरा पहली लाइन पढ़ें भाई, क्या है? अकाउंटिंग WDV ऑफ ओन्ड एसेट एक्सीड द टैक्स बेस बाय 50। और दूसरी बात क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय। इसके अलावा पूरे सवाल में ना फिक्स्ड एसेट का कोई डाटा नहीं है, मान जाए इधर देख लें, आप चेक कर रहे हैं जाके। अच्छा, इसके अलावा पूरे सवाल में फिक्स्ड एसेट का कोई डाटा नहीं है। अब ऐसी सूरत में भी मैं यही कहूंगा, खींच तान के पेपर में कोशिश कीजिएगा अकाउंट बन जाए। लेकिन अकाउंट तो शायद बन ही जाए ऐसी सूरत में, लेकिन ये कैरेट ऑन नेगेटिव अजीब सा लगेगा। नहीं नहीं, डिस्पोजल नहीं है, ऐसे ही अजीब सा कैरेट ऑन लगेगा। तो ये जो कैरेट ऑन अजीब सा नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, किसी ना किसी तरह टैकल तो चले जाएगा सवाल करते हुए, उल्टे उल्टे रूल सोच के कि कैरेट डाउन, पीपी का कैरेट डाउन नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा जिंदगी में हमेशा। इम्पॉसिबल है, बैंक का ओवरड्रॉन हो सकता है, ठीक है, पीपी का कैरेट डाउन नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये अजीब सी चीज लग रही होगी, इस अजीब सी चीज को अवॉइड करने के लिए पेपर में बहुत मजबूरी में अजम्पशन लेनी है, वरना अजम्पशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर बहुत मजबूरी है मुझे, मैं अजम्पशन ले रहा हूं, वरना मैं अजम्पशन लेना नहीं चाहता था। इस फिगर को मैं इतना एज्यूम कर लूं कि जवाब पॉजिटिव में चला जाए, बस मैं इतना सा करना चाह रहा हूँ। इतना कोई ज्यूम कर लो इस फिगर को कि ये वाली फिगर किस में चली जाए, बस इससे ज्यादा कोई फिगर एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ 6 बिलियन एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, पागलों की तरह, ठीक है।
तो एक एक आराम से कुछ छोटी सी फिगर बंदा एज्यूम कर ले कि ये जवाब कैरी डाउन पॉजिटिव में आ जाए, नेगेटिव में ना जाए। तो भाई जान एक भाई बैठे हैं, उन्होंने बहुत ही कंजूसी से 16 बोला है। बहुत ही कंजूसी से 16 बोला है ये। अच्छा ठीक है, मैं इसको 100 एज्यूम कर लेता हूँ। चले 100 एज्यूम कर लेता हूँ, कोई जरूरी नहीं है 100 एज्यूम करना, आप 20 एज्यूम कर लें, जो मर्जी एज्यूम कर लें, मैं ऐसे ही 100 एज्यूम करता हूँ। लेकिन मोहतरम एक बात याद रखिएगा, द अकाउंटिंग WDV एक्सीड द टैक्स WDV बाय 50, तो इधर भी 100 एज्यूम बीच में करना पड़ेगा। फिर 100 जमा 50, तो सवाल में गिवन था 100 जमा 50 कितना हो गया 150। अब हमारा सवाल सही हो गया, अब हम आगे चला सकते हैं सवाल। तो ये ऊपर वाली बात समझ आ गई। अब जरा पहले वाली लाइन दोबारा पढ़ लें, पहली वाली लाइन इंटैक्ट रहनी चाहिए। अकाउंटिंग WDV एक्सीड टैक्स WDV बाय 50। देखें इधर, व्हाट इज अकाउंटिंग WDV, व्हाट इज टैक्स WDV, डस टैक्स WDV एक्सीड द अकाउंटिंग WDV बाय 50। तो जो मर्जी आप इसे, अगर कोई बंदा कहता है जी मैंने इसको 20 अज्यूम करना है, तो बस एक बार याद रखिएगा, दिस WDV शुड बी ग्रेटर देन दिस WDV बाय 50। तो 20 + 50 डेट कम्स टू 7। फिर भी ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं पेपर में ये लिख भी दूं यहां पे तो अच्छा हो जाएगा, मैंने ज्यूम किया कितना 100। आप बता दें इफ आई नीड के अकाउंटिंग WDV एक्सीड द टैक्स WDV बाय 50, तो फिर ये कितना होना चाहिए, 100 + 50 = 1। टेस्ट कितने लोगों ने दे दिया? अच्छा ओके अच्छा जी, अब आप बता दें कैरी डाउन कितने निकलेंगे, कितना और 1 - 50। डेफर टैक्स की वर्किंग भी मैं साथ ही खोल रहा हूं आज, करंट टैक्स की वर्किंग भी साथ ही खोली हुई है। करंट टैक्स की वर्किंग बता दें, बताएं ये काउंटिंग डेप्रिसिएशन 0 और लेस क्लियर। अच्छा आज फिर नींद आ रही है। अच्छा जी आप WDVs बता दें, वर्किंग नंबर 4, डेफर टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन 31/12/2000 जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके अब कैरिंग अमाउंट बताइए कितनी है टैक्स वालों की WDV। चले नोट कर, किससे हो सकता है, हो सकता है कई कई सालों में शुरू वाले सर, नहीं लॉजिक के लॉजिक वाले क्या बात है, इसमें कोई मसला नहीं। कई दफा अकाउंटिंग वाले ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं शुरू वाले सालों में, कई दफा टैक्स वाले ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कोई भी रीजन बन सकती है। क्या चीज, हाँ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 0 नहीं हो सकती, फिर आप इधर भी अज्यूम कर लें, कोई भी डेप्रिसिएशन इधर अज्यूम कर लें, फिर आपको इस फिगर को भी चेंज करना पड़ेगा। मैं कम से कम अजम्पशंस लेना चाह रहा हूँ। क्या हो सकता है, हो ओके चलिए जी आगे। पॉइंट 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपने गौर से समझ रहे हैं। पहले कैमरा हो तो रखो यार, कर मैं तो उनको नोट। ले आओ जा
अच्छा जी, मैं सवाल बदल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किताब पे भी सवाल बदलने, तो मैं आपके सामने सवाल बदलने लगा हूँ। इस बदलने का इम्पैक्ट आपने मुझे बताना है ये क्या चीज़ है। अब आप हजरात ने अपने क्या कहते हैं इसकी तरफ नहीं देखना, किताब की तरफ आपने सिर्फ इधर देखना है जहां मैं हाईलाइट करूं। जी पॉइंट फोर को इसके साथ मिला के पढ़ें। अदर इनकम में दो इनकम्स पड़ी हुई है, एक इंटरेस्ट इनकम और एक डिविडेंड। क्या ये इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम हमारी मेन इनकम होती है या अदर इनकम होती है? मेन इनकम हो सकता है हमारी हो, हम पंखे बना के बेच रहे हो, हम एसी बना के बेच रहे हो, हमारी मेन इनकम कोई और हो। अच्छा अच्छा मुझे बताएं, सवाल के मुताबिक जो मैंने आपके सामने अमेंड कर दिया, सवाल बदल चुका हूं मैं, सवाल के मुताबिक मुझे बताएं इंटरेस्ट इनकम पे हुकूमत कितना टैक्स मांग रही है? 0%। और डिविडेंड इनकम पे हुकूमत कितना टैक्स मांग रही है? जैसे एग्रीकल्चर इनकम होती है मिसाल के तौर पर, उस पर 0% मांग रही थी। और ऑल अदर इनकम्स कौन सी हैं? जो बिजनेस मेन है हमारा, हमारा मेन बिजनेस इंटरेस्ट या डिविडेंड कमाना नहीं होगा। हमारे ये जो प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स 125 मिलियन है। इस 125 में थोड़ी सी इंटरेस्ट इनकम पड़ी हुई है और थोड़ी सी डिविडेंड इनकम पड़ी हुई है, 10.6-16 मिलियन। बाकी तो इसमें बिजनेस के मेन प्रॉफिट्स पड़े हैं, जो हमारा मेन कारोबार होगा। सो मेन कारोबार सवाल नहीं बताया हमारा क्या है, फर्ज करें पंखे बेचना है, फर्ज करें एसी बेचना है, तो हमारी एक मेन स्ट्रीम इनकम पता नहीं कौन सी है, उसका रेट 30% है, लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम का रेट क्या है? 0%। मैं सवाल बदल चुका हूं, आपके सामने बदला हुआ सवाल है, आपके सामने इस वक्त आपकी किताब वाला सवाल नहीं है। अब मुझे बता दें मैं क्या करूं, ये क्या चीज है 0%? ये तो कई दफा बात ही हुई है, ये एग्जेम्प्ट इनकम्स हैं। एक्सेलेंट, ये कौन सी इनकम्स हैं? और बता दें मोहतरम, एग्जेम्प्ट इनकम को करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करते हैं? जल्दी बता दें, एग्जेम्प्ट इनकम को करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करते हैं? लेस करने की रीजन क्या होती है? अगर इनको माइनस ना किया, अदर इनकम में तो पड़ी हुई है, अगर इनको माइनस ना किया तो इन पे भी एंड पे कौन सा रेट लग जाएगा? 30%। क्या इन पे 30% रेट लगाना चाहिए या इन पे लग रेट हैं जो 0% है ही नहीं? तो मुझे बता दें, अभी नोट ना कीजिएगा, मुझे बता दें, मैं अगर अपने सवाल में से इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम को माइनस करूं, कितने से जी? 6 और 10 से, तो क्या ये माइनस करना, डज इट मेक सेंस? बिल्कुल, क्यों? इस पे रेट कितने परसेंट है? 0%। तो क्या ये मेरी अदर इनकम यानी प्रॉफिट्स में पड़े हैं? अब अगर ये 10 और 6 मेरे प्रॉफिट्स में पड़े हैं, इधर से चले ना सेल से, सेल लेस खर्चे, एड अदर इनकम, अदर इनकम का पार्ट बन के 125 में 10 और 6 पड़ा है। अगर ये 10 और 6 अदर इनकम का पार्ट बनकर इसमें पड़ा है और 10 और 6 पड़ा रहा तो फिर ये एग्जेम्प्ट तो नहीं होगा, फिर तो इस पर टैक्स लगेगा, तो ये एक ब्लंडर हो जाएगा। अभी बिल्कुल मैंने इसका सोल्यूशन सही कर दिया है, जो आपके सामने इस वक्त व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन है वही इसका, जो स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन है वही इसका सोल्यूशन है, बिल्कुल जबरदस्त सोल्यूशन है, क्लियर। लेकिन अभी नोट नहीं करना क्योंकि ये सोल्यूशन सही नहीं है। अच्छा, अब मैं अपने सवाल की तरफ वापस आता हूं। आप बताएं यार क्या करना है? अब जी पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक डिफरेंट रेट आ गया है और मुझे लग रहा है कि इनकम सारी माफ नहीं है, 10% तक तो माफ ही है शायद,
10% तक रेट माफ हुआ है, सारा रेट माफ नहीं हुआ, किसकी मद में? क्या डिविडेंड का सारा रेट माफ हो गया है या डिविडेंड का थोड़ा सा रेट माफ हुआ है? क्या डिविडेंड का 30% टैक्स माफ हो गया है या 10% माफ हुआ है? देना कितना पड़ेगा? 20%। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इंटरेस्ट की पहले जरा बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट को क्या इंटरेस्ट हमारे 125 मिलियन के प्रॉफिट्स में शामिल है? क्या इंटरेस्ट हमारे 125 मिलियन के प्रॉफिट्स में शामिल है? बोलें जल्दी, शामिल है ना, ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या इंटरेस्ट हमारे 125 मिलियन के प्रॉफिट्स में शामिल है? अगर इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट्स में शामिल रहने दिया तो एंड पे सारी इनकम्स पे क्या रेट लगना है? इस इंटरेस्ट पे भी एंड पे लग जाएगा, तो लॉ मेकर भी क्या लगवाना चाहता है? तो क्या इस इंटरेस्ट को जो 10 मिलियन का इस 125 में, इस 125 में जो इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 10 मिलियन का, क्या इस इंटरेस्ट को पड़ा रहने दें या माइनस कर दें? पड़ा रहने देने का फायदा क्या होगा? कि एंड पे जब सारी इनकम्स पे 30% लग रहा होगा तो लगे हाथों इस पे भी 30% लग जाएगा, लगे हाथों इस पे भी। अब सारे मिसाल दे रहा हूं सारे के सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने ट्रेन पे जाना है, सारे के सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने ट्रेन पे जाना है, बांग्लादेश वाले भी कह रहे हैं हमने ट्रेन पे जाना है, और ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं हमने जहाज पे जाना है। तो अब आप बता दें किनको किनकी खैर है? बांग्लादेश वालों की खैर है, क्योंकि ये भी क्या कह रहे हैं हमने ट्रेन पे जाना है, ये भी क्या कह रहे हैं हमने, तो ट्रेन तो एंड पे आनी है 30% वाली, एंड पे तो मल्टीप्लाई होना ही है 30%, तो इनको फिर कुछ करने की क्या जरूरत है, अलग से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ मसला किन का है? डिविडेंड वालों का। अच्छा, अब अगर डिविडेंड पड़ा हुआ है 125 मिलियन में, अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड, अगर इसमें डिविडेंड पड़ा हुआ है तो हुकूमत पाकिस्तान वैसे डिविडेंड पे कितना टैक्स मांग रही है? हुकूमत पाकिस्तान डिविडेंड पे कितना टैक्स मांग रही है? 20%। अगर हमने इधर पड़ा रहने दिया डिविडेंड इस 125 में, अगर हमने इस 125 में डिविडेंड पड़ा रहने दिया तो ये थोड़ा सा माफ है, वो वाला माफ वाला इंपैक्ट तो गायब हो जाएगा। तो इसलिए 125 में कितना डिविडेंड पड़ा हुआ है? 6 125 में कितना डिविडेंड पड़ा हुआ है? 6 का डिविडेंड पड़ा हुआ है। इस 6 के डिविडेंड को 125 में से क्यों निकालें? क्योंकि इस पे डिफरेंट रेट लगना है। लेस डिविडेंड फुली एग्जेम्प्ट है या थोड़ा सा एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट इनकम को याद है बाहर निकालते थे, वो तो फुली एग्जेम्प्ट होती थी, ये थोड़ी सी एग्जेम्प्ट है। डिविडेंड इस पे कौन सा रेट लगना है? सेपरेट रेट लगना है। जिन्होंने टैक्स पड़ा हुआ है उनको याद होगा सेपरेट रेट वाली इनकम माइनस करके अलग से सेपरेट रेट नीचे लगाते थे, तो इन पे कौन सा रेट लगना है? सेपरेट रेट लगना है, इसलिए इनको निकाल दें यहां से। इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इन द एंड हम करेंगे क्या सवाल में, तो देखें इन द एंड करेंगे क्या, इन द एंड सारी इनकम्स पे लगाएंगे 30%, वो जो भी आएंगी, और ये 6 रुपए कह रहा होगा मुझे क्यों निकाला, ये 6 रुपए क्या कह रहा होगा मुझे क्यों निकाला, आप इस 6 रुपए को बताएं इसे क्यों निकाला, क्योंकि इसके लिए अलग रेट अवेलेबल है, इसके लिए अलग रेट अवेलेबल है, इसने जहाज पे जाना है। अच्छा, इसे जो निकाला था 6 को तो बुला लें, परेशान हो रहे तू कि तुम्हें क्यों निकाला है, इधर आओ, टैक्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन 6, इस 6 पे अलग से 20% लगाना था इसलिए इसे निकाला था। अच्छा, वैसे ये जो फिगर्स आएगी इसमें से तो 6 निकला होगा ना, 125 माइनस 6, ये जो फिगर आएगी जिस पे हम 30 लगाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में, इस फिगर का नाम होगा ना टैक्सेबल प्रॉफिट्स। ये जो थोड़ी देर में इंशाल्लाह टैक्सेबल प्रॉफिट्स आने हैं, तो इन टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए तो 6 माइनस हो गया है, तो शुक्र है इस पे तो 30% अब 6 पे नहीं लगेगा, लेकिन 6 को जो निकाला है बाहर तो निकालने की वजह से अलग रेट मांगता है ये, तो टैक्स है 20% ऑन 6 1.2, इसके बाद टोटल टैक्स आ जाएगा जो हमें हुकूमत को देना होगा। नोट कर, क्वेश्चन मार्क का लसन लगाइएगा, बाकी नोट कर लें।
ओके आ जाएं आप आ जाएं इधर लिखें जी इंटरेस्ट और डिविडेंड के साथ उर्दू में लिखें। इसे करंट टैक्स में इसलिए माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट के साथ लिखें। नहीं नहीं, यहां इंटरेस्ट के साथ, यहां जो 10 है मैं इसके साथ नहीं कह रहा, 10 मिलियन के साथ, 10 मिलियन के साथ। इसे करंट टैक्स की वर्किंग में इसलिए माइनस नहीं किया, कि इस पर एंड में खुद ही 30% लग जाने। इसे करंट टैक्स की वर्किंग में इसलिए माइनस नहीं किया कि इस पर एंड में खुद ही 30% लग जाने, कि इस पर एंड में खुद ही 30% लग जाने। अब 6 मिलियन के साथ लिखें। इसे करंट टैक्स में से निकाल के, इसे करंट टैक्स में माइनस करके एंड पे 20 हमें लगाना पड़ेगा। इसे करंट टैक्स में माइनस करके, इसे करंट टैक्स में माइनस करके नीचे अलग से 20 खुद लगाना पड़ेगा हमें, नीचे अलग से 20 खुद लगाना पड़ेगा हमें। ये ज़ियारत ना कर लें की। ये पहला सवाल आई IAS 21 के, ये भी एक सवाल है, ये बाकी तो छोटे सवाल होंगे, 3 और 3 2 नंबर के, ये 8 नंबर का, ये टाइम आपको घंटे में करना है, 28 नंबर के। करें जी 0.5 जल्दी, 0.5 करें, खुद ही कर लें। भाई थोड़ा थोड़ा उधर हो जाओ, बस चली तो भाई ने गिर जाना, सॉरी भाई। हाँ अच्छा जी 0.5 ड्यूरिंग 2018 हमारे साल में रुपीज 5 मिलियन हैज बीन कैपिटलाइज। ओहो 0.5। बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन वॉज कैपिटलाइज इन 18। बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन वॉज कैपिटलाइज इन 18। वॉज कैपिटलाइज इन 18 का क्या मतलब है, हम अकाउंटिंग वालों ने एसेट की कॉस्ट में डाला या खर्चे में डाला, एसेट की कॉस्ट में डाला। बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन वॉज कैपिटलाइज इन 18 ऑन एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग CWIP, अभी काम चल रहा है। तो बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट, याद रखिएगा इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट का एक और नाम है। इंटरेस्ट को इसलिए बोरिंग कॉस्ट कहते हैं कि बोरो करने की कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन वर कैपिटलाइज्ड इन 18 ऑन एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये तो अकाउंटिंग वालों ने किया हुआ है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर में इंटरेस्ट को डाल दिया है। तो मोहतरम ये जरा बताएं देख के कि अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट हो जो कि बनने में अच्छा खासा अरसा ले, तो क्या उसमें बोरोइंग कॉस्ट को डाल दिया जाता है? क्या अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो उसमें बोरोइंग कॉस्ट को डाल दिया जाता है? अच्छा अगली चीज मुझे बता दें कि ये बोरोइंग कॉस्ट है या इसमें एसेट की कॉस्ट भी शामिल है? बोरोइंग कॉस्ट है, खाली इंटरेस्ट है। क्या ये, चलो अच्छा जी
तो बात ये चल रही थी, क्या ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर ये जो 5 मिलियन हमें गिवन है, दो मिलियन गिवन है, क्या ये जो 2 मिलियन गिवन है ये खाली इंटरेस्ट है या इसमें ईंट बजरी सीमेंट का खर्चा भी शामिल है? खाली इंटरेस्ट है। अच्छा इधर देखें जरा सारे ऊपर, अगर इस सवाल में खाली खाली इंटरेस्ट की बात करें तो ऐसे भी तो प्रेजेंटेशन किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, डिफरेंस 7 ही आने ना, तो ऐसे भी तो किसी तरह प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है। जरा देखते रहिएगा पिछले वाले सवाल में जो कल से हमने कंटिन्यू किया हुआ है। अगर मैं ऐसे करूं 207 वाला खाली 7 यहां लिख दूं कि अकाउंटिंग वाले कहेंगे इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डालो, तो ये 7 वो वाला हो गया, और टैक्स वाले कहेंगे इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ना डालो, तो भी जवाब क्या आ रहा है? 7 ही आ रहा है, क्योंकि ना असल में जो ईंट बजरी सीमेंट का खर्चा 200 है उसके ऊपर तो अकाउंटिंग और टैक्स वालों में कोई इख्तलाफ राय है ही नहीं। तो चाहे मैं अंडर कंस्ट्रक्शन काम के ईंट बजरी सीमेंट का खर्चा 200 जमा इंटरेस्ट 7 कैरिंग अमाउंट में शो करूं, और बिल मुकाबिल में ईंट बजरी सीमेंट का खर्चा 200 शो करूं, तो भी डिफरेंस 7 आ रहा है। और अगर मैं ईंट बजरी सीमेंट का खर्चा शो किए बगैर खाली इंटरेस्ट शो करूं कैरिंग अमाउंट में, तो टैक्स वाले कहेंगे इसकी तो वैल्यू हम मानते ही नहीं, क्योंकि 7 को आप P&L में यानी एक्सपेंसेस में ले जाओ करंट टैक्स की वर्किंग में, तो भी डिफरेंस मेरा कितना रहेगा? 7। तो बोले क्या ईंट बजरी सीमेंट की मद में अकाउंटिंग वाले और टैक्स वाले 200-200 रुपए की मद में सेम है? तो जब उस मद में सेम है, तो जिस मद में ये दोनों इख्तलाफ कर रहे हैं, अगर खाली वो फिगर उठा ली जाए तो भी हमारा रिजल्ट 100% अचीव हो जाएगा। इस बुनियाद पर माना के सवाल में प्रोजेक्ट का खर्चा अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट की जो टॉपिंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसका खर्चा तो अवेलेबल है। अब क्या करें? बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2 वॉज कैपिटलाइज्ड इन 2018 ऑन एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, द बोरिंग कॉस्ट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज इन द ईयर इन विच इट इज अलाउड एज एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पजेज, इज अलाउड एज एक्सपेंस। Borrowing cost is allowed as expense for tax purposes in the year in which it is incurred. आप बताएं क्या ये 202 है या खाली 2 है? ये 202 की तरह की कोई फिगर है या खाली 2 है? खाली 2 है। ये ऊपर का इंटरेस्ट है सिर्फ, इसमें कोई इंटरेस्ट इनकम वगैरह होती नहीं होगी, वो उसने बताई नहीं। तो इंटरेस्ट कितना है जी? 2, और इसकी टैक्स बेस 0। अच्छा अकाउंटिंग वालों ने कहां डाल दिया? एसेट की कॉस्ट में, और टैक्स वाले क्या कहेंगे? एसेट की कॉस्ट में ना डालो, इस 2 को उठाओ यहां से, बैलेंस शीट से उठाओ और बैलेंस शीट में ही डाल दो। टैक्स वाले कहेंगे इस 2 को बैलेंस शीट से उठाओ और बैलेंस शीट से उठा के खर्चों में डाल दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस IAS 23 वाला हमेशा लेस हुआ करेगा, मैंने लिखवाया था आपको, IAS 23 वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा करंट टैक्स की वर्किंग में लेस हुआ करेगा। कितना? तो देखें कितनी मजे की प्रेजेंटेशन है। अकाउंटिंग वालों ने कहां डाला हुआ है? बैलेंस शीट में, और टैक्स वालों ने खर्चे में, और किन्होंने बैलेंस शीट में नहीं डाला हुआ? टैक्स वालों। अब ये जरा इंग्लिश पढ़िएगा और इसे कंपेयर कीजिएगा। इधर देखें, बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन वॉज कैपिटलाइज, ये देख ले, ये अकाउंटिंग वाला ने कैपिटलाइज की हुई है 2018 में, ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन इंग्लिश की पढ़ें, हाउएवर बोरिंग कॉस्ट इज अलाउड एज एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पस, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं इसको खर्चे में डालो, पकड़े 2 को खर्चे में डाल दो। अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं? कहाँ रखो? बैलेंस शीट के मुंह पे। टैक्स वाले कहते हैं कहाँ डालो? खर्चे में डाल दो। अच्छा एक बात बता दें अगले पॉइंट से पहले, खर्चा टैक्स कैलकुलेशन करते हुए, खर्चा एक फायदे की बात होती है नुकसान की? टैक्स कैलकुलेशन करते हुए फायदे की बात होती है, खर्चा क्यों फायदे की बात होती है? खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होते हैं और प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होता है। अब जरा पढ़े 0.5 हो गया हमारा, so
जी बताएं, ड्यूरिंग 2018 में 5 मिलियन हैज बीन कैपिटलाइज्ड, 5 मिलियन कैपिटलाइज कर दिया गया है एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, 5 मिलियन इज कैपिटलाइज्ड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज पर IAS 38। क्यों कैपिटलाइज किया होगा? अच्छी वाली डेवलपमेंट होगी बुरी वाली? तो पहले इजी मार्क्स तो लेना, कैरिंग अमाउंट में ये 5 मिलियन डाले, तो 5 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड एज पर IAS 38। इंटेंजिबल पता नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है क्या है, सवाल नहीं बताया। बहरहाल अच्छी वाली डेवलपमेंट है, कितना? 5। ड्यूरिंग 2018 5 मिलियन इज कैपिटलाइज्ड एज डेवलपमेंट एज पर IAS 38। ड्यूरिंग 2018 5 मिलियन इज कैपिटलाइज्ड, यानी कैपिटलाइज का मतलब इन बैलेंस शीट में नजर आएगा एज ऑन वाली। एज्यूम दैट, एज्यूम करें टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिलीफ ऑन दिस खर्चा। याद रखिएगा, खर्चों पे हमें खुशी होती है, खर्चे रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट कम होते हैं, टैक्स कम देना पड़ेगा। Assume that tax relief on this kharcha is taken in full in the period in which it is incurred. Accounting wale isko taken in full in expenses nahi kar rahe, expenses mein full nahi leke jate, accounting wale isse capitalize karte hain, aista aista amortize karte hain, full expense mein nahi leke jate. Wo kya kehte hain? Kehte hain tax wale kehte hain isko expenditure mein le jao full, jis saal ye ho. To bata dein tax wale kya cha rahe hain 5 ke bare mein, इसको फुली खर्चों में ले जाएं या आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइजेशन के नाम से खर्चों में लेके जाएं? टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं? फुली खर्चों में ले जाएं। तो अगर टैक्स वाले फुली खर्चों में भेजना चाह रहे हैं तो बैलेंस शीट में तो शो नहीं करेंगे, लेकिन फुली कहां शो करना पसंद करेंगे टैक्स वाले? खर्चों में शो करना पसंद करेंगे फुली। तो वही 100% वही बात होगी जैसे अभी इंटरेस्ट के बारे में थी। इंटरेस्ट को अकाउंटिंग वालों ने एसेट की कॉस्ट में डाला हुआ था, टैक्स वालों ने कहा था फुली खर्चे में ले जाओ, और डेवलपमेंट को भी अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में उसमें कैपिटलाइज किया हुआ था, टैक्स वालों ने कहा नहीं नहीं फुली खर्चे में ले जाओ। डेवलपमेंट एक्सपेंस जी 5। जी अब आप हजरात जरा तवज्जो फरमाएं और तवज्जो फरमा के बताएं, इट्स ओवर नाउ, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं? 97। अब मोहतरम सारे प्रॉफिट्स में क्या रेट लगाने हैं? अब इसमें डिविडेंड तो नहीं पड़ा हुआ इसलिए बड़ी खुशी से लगा दें 30%, कोई मसला नहीं। 97 पे 30% कॉन्फिडेंस से लगा दें, क्योंकि 97 पे 30% लग जाए खैर है, डिविडेंड इसमें पड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन 97 में ओए होए 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 इंटरेस्ट तो पड़ा हुआ है, हमने वो तो बाहर ही निकाला हुआ 10 मिलियन का, ऊपर ऊपर ये वाला 10, ये वाला इंटरेस्ट पड़ा रहने दें। ये जो इंटरेस्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम क्यों पड़ी रहने दें? क्योंकि सवाल क्या कह रहे हैं? बोले। अच्छा, इस इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना, इसे IAS 23 वाली नहीं समझना कि वो जो सरप्लस पैसा रखवाया हुआ था उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आया, वो होता है वो सवाल बताता, ये वैसे ही कोई इंटरेस्ट है, इन बैंक में पैसे रखवाए होंगे उस पर इंटरेस्ट है। तो 10 मिलियन पड़ा हुआ है प्रॉफिट्स में, पड़ा रहने दें, इस पर भी 30 लगने दें, इंटरेस्ट पे भी 30 लग गया, 30 पॉइंट। लाओ जी, अब जी इन दोनों लाइनों को जरा दोबारा पढ़ लें। बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है अकाउंटिंग वालों ने, इसलिए हमने इसको बैलेंस शीट में डाल दिया, लेकिन बोरिंग कॉस्ट को अकाउंटिंग वालों ने तो कैपिटलाइज कर दिया, टैक्स वाले कहते हैं अलाउड एज एक्सपेंस कर दो उसी साल, तो इसलिए हम बैलेंस शीट से उठा के 2 रुपए को करंट टैक्स में लेके टैक्स वालों के लिए 2 रुपए, और 5 रुपए के बारे में ड्यूरिंग 18 5 हैज बीन कैपिटलाइज्ड। However, टैक्स वाले कहते हैं हम इसका रिलीफ देंगे इन फुल,
यानी फुली माइनस करने देंगे खर्चे को जिस साल ये हो। ये जो दूसरा लाइन है ना, दूसरी लाइन, पहली वाली लाइन हमेशा ही ऐसे होती है। आईएस 38 में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टैक्स वालों के, ये वो सवाल बताया करेगा क्या करना है, लेकिन बोरिंग कॉस्ट में हमेशा ये हुआ करेगा कि बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट को हमेशा खर्चे में डाला करेंगे। ओके, यार इसमें अब अगली चीज मोहतरम, बड़ी अटेंटिवली आपने सुननी है, वो हमारी मेन डिस्कशन शुरू होगी, आपको पता है जो यहां आके शुरू होती है, क्लियर। अच्छा, अगली बात ये कि यार ये वर्किंग फोर नहीं है एक्चुअली, अब ये ना सवाल की रिक्वायरमेंट बी है। कैसे? माजरत आप भी काट के कर दें। अच्छा, रिक्वायरमेंट बी पढ़ें, कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्पररी डिफरेंस एज एट 31 दिसंबर, कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लाइबिलिटी फॉर ईच डिफरेंस। लाइबिलिटी और एसेट का हर एक का अलग अलग निकालना है, तो आज हम टैक्स फिर साथ साथ निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है, कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच डिफरेंस। ये तीन डिफरेंसेस हैं हमारे और टैक्स वालों में, इनका डेफर्ड टैक्स ईच का अलग अलग निकालना है। अच्छा जी, अभी आप हजरात मुझे बता दें, थोड़ी सी हमें सोच लगानी पड़ेगी, उस सोच के ऊपर सोच लगाएं, और ये तीनों ना एक ही जैसी चीजें हैं, इनको पहले तो रटा रटा देख लेते हैं। तो ये एसेट है, ये क्या है, एसेट है, और ये भी एसेट है, और तीनों एसेट्स की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है। तो पहले रटा देख लें, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, तो पेज नंबर 736 पे रूल नंबर 1, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इस बेटे का नाम, इसके बेटे का नाम डेटर। अच्छा, अब लॉजिक से सोच लें कि कैसे तीनों टीटीडीज हैं। वैसे तो उधर उधर से भी पता चल गया रटे से, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे, टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 85। जब अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करेंगे ज्यादा, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जब अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे तो यानी टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट्स बढ़ेंगी, तो टैक्सेबल डिफरेंसेस हैं, टैक्सेबल डिफरेंसेस हैं। कैसे टैक्सेबल हैं, फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 150, टैक्स वाले तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी टैक्स डेप्रिसिएशन से, जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो टैक्सेबल अमाउंट्स बढ़ जाएंगी, तो इस डिफरेंस का नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, जारी बात है प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए इसका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। कितना? अच्छा जी, फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले जब भी ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले इस बिल्डिंग को मुकम्मल होने पे डेप्रिशिएट करेंगे, अभी तो नहीं डेप्रिशिएट करेंगे मुझे पता है, लेकिन जब कभी मुकम्मल होगी, मुकम्मल होने के बाद अकाउंटिंग वाले इसको डेप्रिशिएट, और टैक्स वाले डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स वालों ने तो फौरन खर्चे में डाल दिया, तो टैक्स वाले इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा का क्या मतलब है, टैक्सेबल डिफरेंसेस आ रहे हैं हमारे और टैक्स वालों के दरमियान, क्या चीज, हम यही बात करते हैं ना, हम इन फिगर्स को करंट टैक्स की वर्किंग्स में सोचते हैं अगले सालों के एतबार से, हम करंट टैक्स की वर्किंग में इन फिगर्स को सोचते हैं अगले सालों के एतबार से, हम खड़े के साल में 18 में, हो सकता है 2019 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, जब इंशाल्लाह 19 में मुकम्मल होगा हम इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, जब डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो फ्यूचर में अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, जब अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन फ्यूचर में करंट टैक्स की वर्किंग में बढ़ेगी और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कम होगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं, टैक्सेबल डिफरेंसेज या डिडक्टेबल डिफरेंसेज, टैक्सेबल। अच्छा, इनटेंजिबल 5 रुपए का है, इस 5 रुपए के इनटेंजिबल को जब भी हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हम अमोर्टाइज करेंगे, तो फ्यूचर में अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन कितनी रिकॉर्ड होगी, 5 रुपए, फ्यूचर में टैक्स अमोर्टाइजेशन कितनी रिकॉर्ड होगी, 0, तो जब फ्यूचर में अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन बढ़ जाएगी टैक्स अमोर्टाइजेशन से, तो फ्यूचर के टैक्सेबल अमाउंट्स बढ़ जाएंगी, तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, इसके लिए टैक्सेबल का लफ्ज यूज करें या डिडक्टेबल का लफ्ज यूज करें, टैक्सेबल इन फ्यूचर। जी नहीं नहीं, वो जब जब फ्यूचर के अंदर, अब जब हम इस 5 रुपए को डेप्रिशिएट करेंगे तो टैक्स वाले नहीं डेप्रिशिएट करने देंगे, क्योंकि वो पहले ही कर चुके हैं।
किसको? फिलहाल तो टैक्स बच गया ना, ये 5 माइनस हुए, टैक्स कम देना पड़ा। वाह, जहरी बात है, आरजी से बेनिफिट ही है, परमानेंट तो नहीं है। आरजी से बेनिफिट तो है ना, आरजी से तो है ना, इस साल पैसे तो बचे ना। ये 5 रुपए टैक्स वालों ने कब माइनस करने दिए? आज माइनस करने दिए अकाउंटिंग वाले। ये 5 रुपए अगले सालों में जब ये इंटेंजिबल मुकम्मल होगा 2019-20-21 में, तब माइनस कर लेंगे। तो इसको टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं हमारे और टैक्स वालों में। ओके, टीटीडी के बेटे का नाम डीटीएल, डीटीए, डीटीएल, एट द रेट ऑफ 21.21 पॉइंट। ओके, अच्छा मोहतरम, अभी एक चीज आपने नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पास पेपर का किया था, उसमें भी ये चीज थी। ये देखें, आपको सवाल निकालने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट नंबर बी डबल आए, डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2009, यानी ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स अकाउंट का दिया हुआ था। फिर हमने पिछली क्लास में सवाल किया था क्वेश्चन 6, इसमें भी पॉइंट 1 में ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स अकाउंट का दिया हुआ है, क्लियर। इस सवाल में ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स अकाउंट का मिसिंग है, तो लिखें ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स अकाउंट का मिसिंग है, हाउ टू एड्रेस दिस इशू, इस इशू को कैसे एड्रेस करें। मोहतरम, आपने जितनी एफर्ट कर सकते हैं करनी है ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए, वी विल डू आवर एफर्ट टू कैलकुलेट ओपनिंग। जीरो एज्यूम नहीं करना, आपने एफर्ट करनी है। वी विल डू अवर एफर्ट टू कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस, हम ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए एफर्ट करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए एफर्ट करेंगे। वर्किंग नंबर 4, वो तो 4 मैंने मिटा दी थी ना, 4 को काट के आपने बी कर दिया था। वर्किंग नंबर 4, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/17, उसी तरह की हेडिंग दे दें, एज ऑन 31/12/17, और कोशिश करें हर किस्म की जांच कि आप डेफर्ड टैक्स का बैलेंस निकाल सकें। अच्छा मोहतरम, अब जरा मैं एडजस्टमेंट्स देखता हूं हमारी कौन कौन सी हैं। 3 किस्म के इख्तलाफात हैं, एक पीपी के, एक सीडब्ल्यूआईपी के, एक इंटेंजिबल्स के। अच्छा, ये जो सीडब्ल्यूआई पर इंटेंजिबल वाला इख्तलाफ है ना हमारे और टैक्स वालों में, ये इसी साल आया है, ये पिछले साल के एंड पे नहीं था। ये पिछले साल के एंड पे हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ नहीं था। सुने क्यों, सुने क्यों? क्योंकि देखें सवाल के अंदर लिखा हुआ है ड्यूरिंग 18 डेवलपमेंट शुरू हुई है इंटेंजिबल्स की, इसका मतलब है पिछले साल ये डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। बोरिंग कॉस्ट वॉज कैपिटलाइज इन 18, इसका मतलब है पिछले सालों में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, शायद हमने कोई लोन लिया ही ना हो जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एसेट बनाने के लिए। सिर्फ एक चीज है जो साल के एंड पे पड़ी हुई थी पिछले साल के, वो है ओन्ड एसेट्स।
और उनकी अकाउंटिंग डब्ल्यू डी वी एक्सीड द टैक्स डब्ल्यू डी वी बाय 50 मिलियन। तो मोहतरम एक सादा सी बात यार कि अगर कैरी डाउन्स को 31/12/18 में डाला है तो ब्रॉड डाउन्स को 31/12/17 में डाल दो, सिंपल सी बात, तो आपके बीडीज निकल आएंगे। तो बीडी जीरो नहीं लिया करना, गिवन ना हो, बीडी एवरी एफर्ट पुट करनी है निकालने के लिए। तो एफर्ट पुट करने के लिए सोचने की यही जो चीजें साल के एंड में, साल के शुरू में भी तो पड़ी हो सकती है ना, तो एज इट इज वही वर्किंग। और बल्कि ये वर्किंग दो सालों की, हमने एक सवाल में पास पेपर के क्वेश्चन टू में ये वर्किंग हमने दो सालों की थी, याद आ रहा होगा आपको। तो ये दूसरे साल की वर्किंग कर रहे हैं हम, यानी पिछले साल के एंड की वर्किंग कर रहे हैं। ये क्या थे पीपी के, ओ यार नहीं, ये क्या थे पीपी के क्लोजिंग, और ये क्या है, ये पिछले साल के क्लोजिंग है। चलें जी, एफर्ट करनी है और ब्रॉड डाउन निकालने हैं। बताएं जी, ब्रॉड डाउन 150, वर्किंग 2 से है, वर्किंग 3 से जी। कितने का एसेट है, लाइबिलिटी है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट इज कॉल्ड एज टीटीडी, टीटीडी रूल नंबर 1 याद करें। If carrying amount of asset is greater than, उस तरह सोच लें, उस तरह सोच लें। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 150। टैक्स वाले, अकाउंटिंग वाले ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट्स बढ़ जाएंगी, तो हम टैक्सेबल फील करें, टैक्सेबल डिफरेंस। देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी क्लियर। और कोई डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है जो पिछले साल के एंड पे हो। चलें जी, वर्किंग नंबर 5 क्या करना है, अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है, डेफर टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट बनाना है। जी मोहतरम, व्हाट इज कैरी डाउन। अच्छा देखिए ना, लायबिलिटी है, एसेट है, ओपनिंग भी, ओपनिंग लायबिलिटी इधर आएगी, क्लोजिंग लायबिलिटी देखें, सोचे सोचे लायबिलिटीज का बीडी इधर आता है, लायबिलिटीज का सीडी इधर आता है। यकम जनवरी 18, 31/12/17 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन बेहतर है यकम जनवरी 18 लिखें। यकम जनवरी 18 ब्रॉट डाउन, वर्किंग 4 15 और 31/12/18 कैरी डाउन। सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी, पार्ट बी से 21.6 जी। अब डीटी बैलेंसिंग निकाल लें, पिछले सवालों में बीडी गिवन था, इसमें निकालना पड़ा जी। यहाँ पे चलिए भाई जल्दी करें जी जी जी। अच्छा अब आप हजरात एक मिनट लगाएं और एक मिनट लगा के ट्राई करें। पहले जनरेंटिस लिखते हैं, दो सीटी और डीटी वाले जनरेंटिस लिखते हैं। क्या क्वेश्चन में कमी पाई जाएगी जब भी डेफर टैक्स का बैलेंस ओपनिंग मिसिंग हुआ, आपने उस कमी को पूरा करना है डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस निकाल के। क्वेश्चन में कमी थी, बिल्कुल कमी थी। ओके जी भाई, जनरेंटिस बताएं यार। वो ब्लू मार्कर से ना मैं टिक कर दूं आपको, इस पूरे टॉपिक में ना आज आके दो एंट्रीज होती हैं, ब्लू मार्कर से जरा टिक करवा दें, एक किसकी एंट्री होनी है और एक, ये दो एंट्रीज होनी है।
सीटी डेबिट थर्टी पॉइंट थ्री और डीटी डेबिट डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट 6.6। जी अब आप रात बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलिएगा ये क्या हो रहा है, टीई डेबिट तो नेगेटिव साइन खर्चा है टीई डेबिट, इधर भी लकीली टीई डेबिट तो खर्चा है या खर्चे के रिवर्सल है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स एक्सपेंस डेबिट। चलिए जी नोट बनाए, आप पी एंड एल जाने थे, पी एंड एल लेने थे, नोट बनाए। अच्छा भाई डायरेक्ट ना वगैरह जी, ट्रायंगल लिमिटेड चलें जी, जी 30 पॉइंट और सॉरी नेगेटिव है 6 पॉइंट रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स। जी सबसे पहले क्या उठाएं, 125 कौन सी लाइन, डबल अंडर लाइन सीट बेल्ट टैक्स रेट उठाएं, जनरल वाला उठाएंगे 30% टैक्स कैलकुलेटर पे कितना 37.5। अब मैच कराएं, जी ने कर लिया, हाथ खड़ा करें, वेल डन, बाकी लोग ट्राई करें। अच्छा ना ना खुद सोचना। अच्छा मुझे बताएं कहीं पूरे सवाल में पैटर्न ही बदलना ना, इधर कौन सवाल पूछ रहा था पता नहीं, पैटर्न ही बदलना। अच्छा कहीं पूरे सवाल में कोई इनकम ऐसी है जिस पे हुकूमत सिरे से टैक्स मांग ही नहीं रही, नहीं नहीं, नहीं। हुकूमत सिरे से टैक्स मांग ही नहीं रही वाली ऐसी कोई इनकम नहीं है, लेकिन कोई पूरे सवाल में ऐसी इनकम है जिस पे हकूमत टैक्स 30% तो ना मांग रही हो लेकिन थोड़ा कम टैक्स मांग रही हो और उस पे टैक्स छोड़ भी रही हो। अच्छा मुझे बताएं डिविडेंड पे टैक्स जो है वो मांगा कितना है हकूमत ने, 20% और छोड़ा 10%। अब जरा अटेंटिवली बात सुनिएगा ये वाली, जरा अगली
मैंने सारे प्रॉफिट्स पे कितना लगा दिया? इस प्रॉफिट में तो डिविडेंड भी पड़ा हुआ था क्योंकि ये वाला 125 है, अभी नहीं माइनस हुआ हुआ। इस प्रॉफिट में तो ये वाला 6 भी पड़ा हुआ था, इसका मतलब है मैंने डिविडेंड पर भी 30 लगा दिया। तो मुझे बताएं डिविडेंड पे कितना लगना चाहिए था? 30 या 20? कितना लगा दिया? 30। कितना लगना चाहिए था? कितना ज्यादा लगा दिया? जरा 10 लेस करके देखते हैं, 10% लेस करके देखते हैं। लेस 6 डिविडेंड, साइन वही यूज करना जहां किया था नेगेटिव। 6 × 10% 0.6 लेस 36.9। रिकॉन्सिलेशन मैच कर गई। क्या इधर पूछ रहे हो? अच्छा भैया जरा गौर से सुननी है सारी बातें दोबारा। इधर देखें, अटेंटिव रहिएगा। बिल फर्स हम समझ लेते हैं डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, बिल फर्स। फिर क्या करते हैं इधर देखें, फिर हम डिविडेंड यहां से माइनस करते 6 और माइनस करके यहां 0% रेट ना लगाते, हम शो ही ना करते यहां। समझिए, आप समझिएगा, ये भाई एक दो भाई जो है ना पता नहीं किधर रहते हैं। अच्छा अगर डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता, बिल्कुल ही टैक्स का माफ होता, अभी तो थोड़ा सा टैक्स माफ है ना, अगर डिविडेंड का बिल्कुल ही टैक्स माफ होता तो यहां से माइनस करते हम और फिर यहां अलग से 0% लगा के शो ना करते। और जब इधर रिकॉन्सिलेशन की बारी आती तो हम कहते डिविडेंड पे भी लग गया 30, डिविडेंड पे भी लग गया 30, लगना कितना था 0, कितना ज्यादा लग गया 30% से मल्टीप्लाई हम करते थे, इधर एक फिगर आ जाती थी, रिकॉन्सिलेशन मैच कर जाती थी। अब इधर आए, इधर हमने डिविडेंड इसलिए माइनस नहीं किया कि इस पे पूरा टैक्स माफ है, इसलिए माइनस किया कि इस पे थोड़ा सा टैक्स माफ है। तो डिविडेंड को माइनस किया, माइनस करके हुकूमत पाकिस्तान को 20% टैक्स दे दिया। हुकूमत खुश होगी, हुकूमत ने कहा बस ठीक है मुझे 20% तक चाहिए था। अब जब हमने रिकॉन्सिलिएशन बनाने की कोशिश की तो हमने दुनिया के लोगों को कहा कि हमारे प्रॉफिट्स पे टैक्स है 30%, हमने दुनिया के लोगों को कहा हमारे प्रॉफिट्स पे टैक्स है 30%। फिर हमें ख्याल आया नहीं 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 नहीं, एक इनकम तो प्रॉफिट्स में ऐसी पड़ी है जिस पे टैक्स है 20%। आप बता दें मैंने कितने परसेंट टैक्स बुक कर लिया है यहां पे? 30%। कितना टैक्स मेरा बनता है? 20%। कितना मैंने टैक्स रेट लगा दिया? 30%। कितना मेरा बनता है? 20%। कितने परसेंट ज्यादा रेट लगा दिया जिसकी वजह से रिकॉन्सिलेशन आउट हो रही होगी? 10% ज्यादा रेट लगा दिया। तो वो जो एक्सेस रेट लगाया वो जरा डाल के सिर्फ, अच्छा ये ना सिर्फ एक चेक करना होता है अपनी तसल्ली के लिए रिकॉन्सिलेशन मैच हो रही है या नहीं। हुकूमत को तो आपको पता है टैक्स कितना देने, मैंने 1.2 ही देने, तो मैंने चेक किया जरा 10% लगा दिया, इसी वजह से रिकॉन्सिलेशन आउट हो रही है, तो पता चला इसी वजह से रिकॉन्सिलेशन आउट हो रही थी। आखिरी दफा बोल रहा हूं, कितने परसेंट टैक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया, इस पे कितना करना था, कितना ज्यादा रेट इस पे लग गया, 10 जरा लेस करके देखें। जी भाई जनाब बहुत हो गई है, अब होमवर्क लेना शुरू करें। अब आपने आज करके आना है पास पेपर का क्वेश्चन 4, पेज 318 पे आए, 318 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4, शाकिर इंडस्ट्रीज। एथिक्स निकालें, एथिक्स।
पास पेपर भाई, प्लीज एथिक्स सीख लें वरना मसला होगा जिंदगी में। एथिक्स सीख लें। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े, पेज नंबर यार 463 कर ले आज। हाँ, जिया इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वर्क्स एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर इन यूनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। जिया ने सीए कर लिया है, इसके पीछे क्या क्या जिंदगी में हुआ वो छोड़े हैं। सीए कर लिया है, जिया इज ए सीए माशाल्लाह एंड वर्क्स एज फाइनेंशियल कंट्रोलर इन यूनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब जिया के दो नंबरी तो नहीं करेगा ना इंशाल्लाह, करेगा दो नंबरी तो सीए कर लिया उसने बस। सीए करने वाले ने एथिक्स पढ़े होंगे ना, तो जब पढ़ लिया तो दो नंबरी नहीं करेगा। यूईएल इज करंटली, यूईएल कौन है जहां वो काम कर रहा है? यूईएल इज करंटली कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ यूईएल, किसी कंपनी को खरीदना चाह रही है आगे। अच्छा, जिया इज अ मेंबर ऑफ टीम विच इज करंटली निगोशिएटिंग द एक्विजिशन विद द मैनेजमेंट ऑफ टीएसएल। तो जिया उस टीम का पार्ट है, जब खरीदने जाएंगे हम टीएसएल को तो टीएसएल के मैनेजमेंट से निगोशिएशन में हमारा भी रोल होगा, हम भी साथ जाएंगे। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ फ्यूचर एक्विजिशन, जिया को जब पता चला कि फ्यूचर में हमने खरीद ही लेना है, अब ये तय हो गया है इंशाल्लाह अब हमने खरीद ही लेना है इसको, जिया ने खरीद लिए 10 लाख शेयर टीएसएल के, अपनी कंपनी के नहीं उस कंपनी के। जिया ने 10 लाख शेयर खरीद लिए टीएसएल के इन द नेम ऑफ सलमा एंड शाकिर। तो उसने अपनी बीवी और अपने बेटे के नाम के 10 लाख शेयर खरीद लिए, किसके नाम के? टीएसएल ऑर्गेनाइजेशन के। तो यार फर्ज करें सलमा का नाम, ये वाइफ ये पीछे दिल में छुपा होगा नाम। अच्छा अच्छा जी, फर्ज करें शाकिर जॉब कर रहे हैं पीटीसीएल में, और जिस कंपनी को पीटीसीएल खरीदना चाह रही है उस कंपनी का नाम यूफोन है। तो कहानी की पूरी फिर समरी ये बनेगी, अगर आपको जरा यूईएल और टीएसएल अगर मुश्किल लफ्ज लग रहे थे इसलिए मैंने यूज किया। तो पीटीसीएल चाह रही है यूफोन के शेयर खरीदना, जब यूफोन के मैनेजमेंट से डिस्कशन की बारी आनी है तो ये शाकिर है, शाकिर कहां से आ गया? शाकिर कौन बोला था? शाकिर बेटा था? ओ, वो कहां से आ गया? जिया। तो जब पीटीसीएल ने यूफोन को खरीदने की बारी आएगी तो यूफोन के दफ्तर में निगोशिएशन के लिए जिया भी साथ जाता है। जिया इज अ मेंबर ऑफ टीम, जिया भी साथ जाता है। तो जा जाके जिया को ये पता चल गया, ही बिकेम अवेयर ऑफ इट, उसे पता चल गया कि अब तो मस्ट हम खरीदेंगे इनको, और उसे पता है हमारी कंपनी ऑलरेडी यूईएल मजबूत है, तो जब हम इसको खरीदेंगे तो इसने तो ऐसे ही आसमानों पे उड़ने लग जाने, और आसमानों पे इसने जाने कि मेरी बड़ी स्ट्रेंथ आ गई है कंपनी में। तो इसलिए इसको फ्यूचर में नजर आ रहा है कि इसके कंपनी के शेयर, जो टीएसएल है नई कंपनी, उस कंपनी के शेयर की कीमत भी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। इसलिए अभी से उसने अपने बीवी बच्चे के फ्यूचर को सामने रखते हुए उनके नाम के शेयर खरीद लिए। तो कौन सी इंफॉर्मेशन मोहतरम यूज हुई है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जिया इज इन ब्रीच ऑफ। अच्छा यार इसमें ना आपने एक मिनट इसमें आपने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल लिख के आया करने हैं। एक आपने लिख के आने कॉन्फिडेंशियलिटी, और एक प्रोफेशनल बिहेवियर लिख के आने जिसमें ये लिखा होता है कि आपने ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। तो ये दो आप लिख लें, डिस्कशन कल फिर कर लेते हैं, अभी सिर्फ आज क्वेश्चन हमने, कल डिस्कशन कर लेते हैं, कल हैं और उसी तरह के, लेकिन कल डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पास पेपर क्वेश्चन 4 होमवर्क।